आपका स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा पोकेमॉन डार्क रश सिंकर कैसे आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है और कर लेना है डाउनलोड। और इधर ऊपर की फोटो है, दिस इज अ लेजेंडरी पोकेमॉन। चलो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। वैसे ये जो गेम है बहुत अच्छी गेम है, इसके अंदर हमें मेगा एवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने आगे देखा था मेगा चार्जर्ड वाई था, उधर मेगा चार्जर्ड देख सकते हैं, इधर वाई है। तो मुझे मेगा चार्जर्ड एक्स ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं इसके अंदर स्टार्टर कौन सा होता है। मेगा डार्क रशिंग वन में हमें मिला था ग्लीबर और डार्क रशिंग टू में हमें मिला था कार चॉप। तो फिर हमें देखते हैं, और फिर मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूँ। इसके अंदर हमें मेगा एवोल्यूशन भी मिल सकते हैं बहुत ज़ोरदार, जैसे कि हमने देखा था मेगा चार्जर्ड वाई। तो शायद से इसके अंदर एस ग्रीन निंजा भी हो सकता है। चलो, पर इसके कम से कम दो पार्ट्स और है, दिस सिंपल लिंक है, जाके देख लेना। और हमारे मेन से स्टार्ट हो चुका है, ये है पासवर्ड 5622 और F। ये आपको पासवर्ड डाल देना है ZR जीवर्स के अंदर। तो फटाफट आप डाल लेना है पासवर्ड, तो आपकी गेम ऐसे चलने लग जाएगी और इधर से आप अपना डार्क रशिंग 3 को इंस्टॉल कर सकते हो। चलो हम अभी गेम में आते हैं। चलो हाँ, यस गेम मेरी गेम होगी, मतलब कि मेरा नाम होगा, सॉरी। ओके, तो फिर मैं गैरी तो रखने वाला नहीं हूँ क्योंकि कैरी नाम बहुत ओल्ड हो चुका है। तो फिर मैं इस बार क्या सोचता हूँ, मैं रख देता हूँ इसका नाम ग्रीन। यस गाइस ग्रीन, मैंने ब्लू नहीं रखा, ग्रीन। ग्रीन आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका नाम ग्रीन कैसा रहेगा। ओ मैंने पहले मिस्टेक कर, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, शी इज डेड। तो गाइस अभी हम आगे देखते हैं, ये मर गई। ये मजाक मत करो, इनसे एक बार बात करो, पर ये मर कैसे सकती, कौन मार सकता है। देखते हैं हुआ, स्टैंड बैक। ओके जल्दी चलो, जल्दी चलो जल्दी, पर इसे मारा कौन ये बात कोई बताओ ना। बहुत वियर्ड सा हो रहा है हमारे डार्क रशिंग के गेम में। चलो चलते हैं, इधर क्या है, 4000। और ये लगता है कि मेगा 4000 वा है। ओ माय गॉड, ओ माय फ्रीकिंग गॉड। तो मैं इसका नाम रखने वाला हूँ डार्क। हाँ ये कुछ अजीब नेम है, पर मैं ये ही रख, क्योंकि 4000 दिखता बहुत डरावना है, इसीलिए जरा इससे बात करके देखते हैं। ओके आरएसएस के बारे में कुछ बता रहा है, ओके ठीक है, ओके ओके समझ आ गया समझ आ गया। ये कह रहे हैं हमें सिटी में जाने के लिए, पर गाइस हमें मिल चुका है मेगा 4000 वाई। पर मैं अगर मुझे मिलता तो मैं मेगा 4000 एक्स लेता। चलो देखते हैं आगे क्या क्या होता है, ठीक है देखते हैं। इसके अंदर एच ग्रीन इंजा भी हो सकता है ना, होगा होगा। चलो हम अभी बार गाइस, अगर आप पीछे का साउंड नोटिस करो तो वो लेवेंडर टाउन वाला साउंड नहीं है, अरे वही साउंड जिस वजह से इतने सारे बच्चों की मौत हुई थी। सिर्फ 13 से कम उम्र के बच्चे, जो लोग ये गेम पहली बार खेले तो उनको बता देता हूँ,
लेवेंडर टाउन का म्यूजिक है, जो 13 से कम साल की उम्र है उन लोगों को कुछ हो गया था, मुझे नहीं पता, आप खुद सर्च मार के देख लो। ये बैग, इसके अंदर पोकेबॉल नहीं होते, एक बैग से ऑप्शन आते हैं वो पोर्शन होते। वैसे मैं अभी फ्रेम 2 रख ले चुका था। ये क्या है? स्वेलो, अरे स्वेलो, इसने लेट मारता हूँ, पता नहीं क्या नाम बोल रहे हैं। वॉक्स, ये भी मर चुकी है, मतलब कि डेड, और इसके हाथ में पोशन था। चलो इन सबसे थोड़ा बहुत लड़ रहे थे, जिनसे हमारे डार्ट की थोड़ी बहुत लेवल बढ़ जाए। डिप्लूम, वैसे मैं बताऊँ तो मैं पोकेमोन पकड़ने का बहुत मन कर रहा, बहुत अच्छे पोकेमोन है इधर पर पकड़ नहीं सकते क्योंकि चलो पोकेबॉल देने नहीं। चीनी, चीनी। ओ, मैंने गलती से रोस्ट कर लिया, चलेगा, हिल तो हो गया। मैं सोच रहा था अभी मैं एक पोशन मार लूँ, नहीं पैरालाइज, हमें आगे जाके काम भी आ सकते। एक और पोकेमोन सस्किट, सुपर इफेक्टर 15 लेवल गए, पर शायद से एक ड्रैगन क्लॉ से मर जाएगा। एक्वा जेट, सुपर इफेक्ट पर उतना खास डैमेज कर नहीं पाया ये एक्वा जेट। ओके सर, इसको हरा दिया और हमारा डार्ट हो चुका है 21 लेवल पर। ओ, ये ब्लू कलर का कौन है? देखते ब्लू कलर कौन है। ये पर इंसानी के लिए 3 पोकेमोन डस्ट्री सू, तो मैं इसे हरा देता हूँ फटाफट। तुमको ये बैटल में दिखाऊंगा। कॉल अपना अटैक स्टेट डिफेंस स्टेट बढ़ा लिया, एक्यूरेसी भी बढ़ जाती, ये बात मुझे भी पता थी। चलो इंटरनेट से इसको फटाफट हम बनाते हैं। सनलाइट अच्छा है, पर अभी तो बारिश हो रही है, तो इसको सनलाइट मिल कहाँ से रहा है, ये कुछ अजीब है। तो इसका सेकंड पोकेमोन स्टन फिक्स, ये जनरेशन 5 का है, इसे मुझे ड्रैगन क्लॉ से हराना पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक टाइप होता है। इतना ज्यादा डैमेज, मैं इतना ज्यादा लेवल का हूँ तभी भी इसने पता नहीं स्प्रिंट है, अब तो क्या पता नहीं ये कौन सा मूव यूज कर रहा है। मैं तो अभी रूस्ट यूज कर लेता हूँ, अच्छा मैंने रूस्ट यूज कर लिया था जिससे मैं हील भी हो रहा हूँ। चलो अभी एक ड्रैगन क्लॉ से वाटर गन, यार बहुत गंदा वो मार रहा, पैरालाइज तो कैन नॉट मूव, तो ठीक है मैं पोशन मार लेता हूँ। आई होप सो पोशन अच्छी खासी हील कर, इससे अच्छा मैं रूस्टी यूज कर लेता, पर उससे मरने के चांसेस भी थे, मैं का पोशन यूज नहीं करने वाला, मरना ही था इसमें। एक तो उन्होंने पोकेबॉल दी नहीं, वैसे भी लॉस्ट हो गए। चलो वाइल्ड आउट, पर उधर मुझे दो दो डेड बॉडी पता नहीं किसकी मिली थी, मेरा प्लेयर किधर है? आई होप सो मुझे लेजेंडर पकड़ना है, अब इस लेजेंडरी को हराना है। अभी से लेजेंडरी, स्क्रीन हिल तो रही है, जरा देखते
ओ ये राम ये बोला था इससे बात करने जिससे तुम्हारे पो नील हो जाए और तुम वापिस अपने वर्ल्ड में भी जा सकते हो, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दैट इज वियर्ड, पर आप इस गेम को जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत अच्छी गेम है। उसके अंदर हमें मेगा इवॉल्व, खाली उस बंदे से बात मत करना और ध्यान रखना इसके अंदर लेवेंडर टाउन का म्यूजिक भी है। कोई ये गेम में बताया तो ज़रूर डाउनलोड करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।